फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद में आमिर खान लग जाएंगे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी के महाभारत की काम पर। महाभारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 1000 करोड़ का ये बजट लेकर तैयार हो रही है फिल्म। अब आपको बता दें, आमिर खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में सलमान खान को कृष्ण का रोल मिल सकता है। हालांकि आमिर खान को खुद ये रोल करना था, लेकिन सलमान खान की इच्छा है कि वो करे कृष्ण का रोल। ऐसे में आमिर खान ने उन्हें कृष्ण का रोल दिया जा सकता है। वहीं आमिर खान इस फिल्म में कर्ण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और महाभारत की द्रौपदी के लिए दीपिका पादुकोण या फिर फातिमा सना शेख को अप्रोच किया जा सकता है। खबरों की माने तो इसमें अर्जुन की भूमिका अजय देवगन को दी जाएगी। बाकी स्टारकास्ट की चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। देखना होगा सलमान खान कृष्ण के अवतार में, आमिर खान कर्ण के अवतार में कैसे नजर आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अवतारों में ये जम पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। सब्सक्राइब पर देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।